और एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल एसटी वेस्टी पर। और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपना वो पौधा जो लगभग मरने की कगार पर पहुंच गया था। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये जिंदा होगा, पर आप लोगों को पता है कि जब कोई एकदम से अपने आखिरी समय से जब वापस आते थे तो उसकी खुशी आप बयान नहीं कर सकते। कुछ इसी तरह से मेरे साथ भी हुआ, तो वही दिखाऊंगी कि कैसे हम लोग अपने थोड़े से विश्वास से, थोड़े से प्रयास से ना, कभी कभी हमारे लिए भी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो बिल्कुल हमें भी अजंबा लगता है, अजूबा लगता है। वही कुछ मेरे साथ हुआ था, बिल्कुल एक मरा हुआ सा पौधा था। ये है मेरा कोलियस, अभी मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाऊंगी। एक्चुअली इस कैमरे में अभी ये कवर नहीं हो पा रहा है हाइट की वजह से। तो ये बरसात में अभी पिछले कुछ दिनों पहले लगातार 2-3 दिन तक बारिश हुई। कोलियस आप लोगों को सभी को पता होगा कि बहुत ज्यादा पानी ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो इसी वजह से मेरे 2 कोलियस बिल्कुल ऑलमोस्ट डेड हो चुके थे। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, तो देखिएगा। और बरसात शुरू होने के पहले मैंने अपने 2 गार्डनिंग की कैसे आपको तैयारियां करनी, उसमें मैंने ये पॉइंट बताया भी था, पर अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने वो पॉइंट जो मैंने आप लोगों से भी शेयर किया हुआ, तो वो कैसे मैंने अप्लीकेबल किया अपने प्लांट पे और पूरा जीता जागता सा हरा भरा होके प्लांट हो गया आपके सामने, वही दिखाऊंगी। देखिए, ये था मेरा कोलियस का पौधा। अब तो बिल्कुल इसमें एक नई जान आ गई है। देखिए, पत्तियां बहुत अच्छी हो गई है, जैसे कि पहले थी ठीक वैसे ही कलरफुल पत्तियां हो गई। अभी बीच में पूरी पत्तियां इतनी डल हो गई थी, बिल्कुल सूखी सी पत्तियां, बिल्कुल कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि ये पौधा सरवाइव कर पाएगा। और अभी दिखाती हूँ कि अभी कैसे मैंने इसकी जान बचाई है। बहुत सिंपल सा तरीका है। पहले के जो वीडियोज आप लोगों ने देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैं क्या दिखाने जा रही हूँ। देखिए, ये देखिए मिट्टी इसकी, इसमें पूरा का पूरा पानी भर गया था। मेरा ये सेरेमिक पॉट है, पूरी की पूरी मिट्टी दलदल बन गई थी, बहुत तेज बारिश हुई थी 2-3 दिन तक लगातार। तरह से एक दूसरा भी था, वो भी दिखाती हूँ। देखिए, चूंकि ये प्लास्टिक का पॉट है, बहुत ज्यादा पानी जब इसमें हो जाता है तो ये जो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ था, एक मिट्टी के जो पॉट होते हैं तो काफी सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पर देखिए इसमें जो प्लास्टिक के पॉट्स में या सिरेमिक पॉट्स में अगर एक्स्ट्रा पानी होता है तो ये जो हमारे पॉट्स हैं ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाते एक्स्ट्रा पानी। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि जब ये पौधे को ज्यादा पानी नहीं पसंद है तो मिट्टी ये सारा ज्यादा पानी में गल जाता है। सेम वही कंडीशन मेरे इन दोनों पौधों के साथ हुई थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने जैसे ही बारिश के बाद में ये बिल्कुल सा मेरा डल हो गया पौधा, बिल्कुल पत्तियां सिकुड़ सी गई थी, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इस तरह से चारों तरफ से इसकी मिट्टी खोद दी। सेम इसी तरह से मैंने इसमें भी किया हुआ था। देखिए, पूरी की पूरी मिट्टी आपको खुद ही लग रही होगी, सारी मैंने नीचे तक इसको पूरी की पूरी ऐसे करके पूरी मिट्टी खोद दी थी कि जिससे कि इसका अंदर से पानी हमारा सारा सूख जाए। और एग्जैक्टली वही हुआ जो मैं चाहती थी। धीरे धीरे इसका पानी सूखता गया। देखिए, कई दिनों के, लगभग ये 15 डेज हो गए हैं जब मेरे इस पौधे की हालत खराब हुई थी। तो अभी देखिए, अभी 15 दिन बाद जब ये पौधा फिर से हरा भरा होने लगा, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे कितनी खुशी हो रही होगी। और वही खुशी शेयर करना चाहती हूँ कि आप भी बरसात में अगर ज्यादा पानी की वजह से आपके भी पौधे मरने की कगार पे, कुछ आपको ऐसे लग रहा है, तो आप इस तरह से उनको जिंदा कर सकते हैं। चलते हुए पौधे को लगाने में खुशी होती है, लेकिन हाँ, जब हम किसी मरते हुए पौधे को बचाते हैं ना, तो उसकी खुशी एक अजीब सी होती, बहुत अलग होती है। कि छोटा सा आइडिया है पर बहुत काम का, इस तरह से करके देखिएगा। अगर आप भी बचा पाते हैं तो आप भी इस खुशी को महसूस कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि छोटी सी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और आप भी जरूरत पड़ने पे इस छोटी सी टिप को जरूर याद रखेंगे। अपने पौधों को जहां तक कोशिश हो पाएगी तब तक आप मरने नहीं देंगे, क्योंकि आप कोशिश अपनी बरकरार रखेंगे। याद रखिए, पौधे बिल्कुल उसी तरह से आपकी केयरिंग मांगते हैं जैसे कि छोटे बच्चे। थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी परवाह, आपके पौधे ना आपको निराश नहीं करेंगे और आप भी खुश होंगे क्योंकि आपकी मेहनत रंग लाई। तो छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, जरूरत पड़ने पे याद रखिएगा कि जब ज्यादा पानी भर जाए आपके पौधे में तो कुछ इस तरह से आपको अपने पौधे को ट्रीटमेंट देना है। जल्दी मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपनी गार्डनिंग को एंजॉय करते रहें, इसी तरह से मस्त रहें और खुश रहें। थैंक यू। वीडियोज के अपडेट्स पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें
और सब्सक्राइब करने के बाद मेक श्योर कि आपने बेल आइकन दबाया है।